एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 और यहाँ पर ABC हम लोगों ने कर चुके हैं और यहाँ पर अभी हमारे पास पार्ट 2 है जो जी की वैल्यू हमने फाइंड करना है। एक फंक्शन है x प्लस 3 और 2x माइनस 5 है और यहाँ पर इसकी वैल्यू a की वैल्यू जी माइनस 2 है, 4 है, 0 है और वो नंबर x है। तो इन सब की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये किस तरह हो सकता है और किस तरह हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास फंक्शन जो है कुछ इस तरह है कि जी ऑफ एक्स है, हमारे पास जी ऑफ एक्स है, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स बराबर है एक्स प्लस 3 के और एक्स 2x माइनस 5 के। तो इसमें a जो है हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू है जी की वैल्यू है माइनस 2। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर x है इस कंप्लीट फंक्शन में, हम लोग इसकी वैल्यू माइनस 2 डालेंगे, मतलब g की वैल्यू है माइनस 2। तो x की जगह हम लोग माइनस 2 प्लस 3 और यहाँ पर 2x माइनस 2 और माइनस 5 है। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस 2 प्लस 1 प्लस 3 1 आएगा और 2 टू 4 आएगा, माइनस 4 माइनस 5 आएगा, ठीक है। तो माइनस 4 माइनस 5 हमारे पास इसकी वैल्यू आएगा कि माइनस 9 और मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 9 ही आएगा। तो ये इसकी सिंपल वैल्यू है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसी जो फार्मूला है इसको यूज़ करेंगे और बी पार्ट है हमारे पास। बी की पार्ट में क्या है, हमारे पास जी की वैल्यू 4 है, ठीक है। मतलब जहाँ पर भी यहाँ पर x 4x है वहाँ पर हम लोगों ने रिप्लेस करना है 4, मतलब 4 प्लस 3 और 2 4 माइनस 5। और यहाँ पर क्या आएगा, 4 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 7, 5 6 7 और यहाँ पर हमारे आएगा 8 एंड माइनस 5, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि 7 आएगा यहाँ पर और 7 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। कि हमारे पास 3 5 4 5 6 7 8 है, मतलब 3 आएगा और यहाँ पर हमारे पास 21 इसके आंसर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वैल्यू है जी की वैल्यू है सी पार्ट में, जी की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो रिप्लेस करेंगे जहाँ पर भी x, ये देख लें जहाँ पर भी x है उसको रिप्लेस करेंगे विथ 0, मतलब 0 प्लस 3 और 2 0 माइनस 5 है हमारे पास, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, 0 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 0 इज़ इक्वल टू 0 माइनस 5 और उसके बाद हमारे पास 3 माइनस 5 और 5 3 इज़ 15 माइनस 15 आएगा। मतलब इस तरह हम लोग इसकी सोल्यूशन कर सकते हैं। और फाइनली हमारे पास क्या है कि जी की वैल्यू 1 ओवर एक्स है, जी की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर एक्स है और ख़ुद फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स हमारे पास एक्स प्लस 3 है, एक्स प्लस 3 है और 2x माइनस 5 है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हम लोग 1 ओवर एक्स डालेंगे, 1 ओवर एक्स है और यहाँ पर 1 ओवर एक्स प्लस 3 है और यहाँ पर 2 1 ओवर एक्स माइनस 5 है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं अभी कि ये जो पार्ट है LCM लेंगे 1 प्लस 3x बाई एक्स और यहाँ पर हमारे पास 2 1 से 2 आएगा, LCM x आएगा और यहाँ पर माइनस 5x आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई बाई 1 x आएगा फिर 5x आएगा। तो x x को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा कि एक्स स्क्वेयर आएगा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3x आएगा और 2 माइनस 5x है। इसको मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ तक ये सही है। तो इस तरह आप आसानी के साथ किसी भी क्वेश्चन को, जो फंक्शन है उस फंक्शन को आप सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है या मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।